बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, सिसक सिसक के बड़े बड़े आंसू बहाता बच्चा, और उसकी माँ एक लॉलीपॉप पकड़ा देना तो बच्चा सारा दुख भूल के उसे चूसने लगता है। आपको कभी हंसी नहीं आती बच्चों को देखकर? देखो जरा, इतना रो रहा था, ऐसा लग रहा था ये बड़ा दुखी बच्चा है, बड़ा दुखी है, लेकिन एक लॉलीपॉप के मिल दी सारा दुख भूल गया, चबा चूस रहा है वो। अब बताइए लॉलीपॉप की कोई वैल्यू है? है आपके जीवन में लॉलीपॉप क्या मायने रखता है बताओ जरा? है कोई अर्थ लॉलीपॉप का? लेकिन उस बच्चे के लिए लॉलीपॉप कितना बड़ा लगा, सारा दुख भूल गया। ऐसे ही तुम्हें लगता है हम बड़े पैसे वाले हैं तो बड़ी कृपा ना, ये ईश्वर का लॉलीपॉप है। तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा पैसा इस लॉलीपॉप में ना उलझ जाना। बच्चा लॉलीपॉप में उलझ जाता है तो माँ छोड़ देती है बच्चे को और चली जाती है, काम करती रहती है। माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारना चाहे ना तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बोलो हाँ। जब माँ अपने बेटे को अपनी गोद से उतारना चाहती है तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है। उसी तरह जब भगवान तुम्हें अपने से दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। तुम मान बड़ाई में उलझ जाते हो, पद प्रतिष्ठा में पैसे में उलझ जाते हो, तुम्हें लगता बड़ी कृपा है। अरे कृपा तुम पर नहीं, कृपा उन पर है जो हर समय संसार का लॉलीपॉप छोड़ के मोह माया से मन हटाकर हर समय भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं। प्रभु मैं आपके लॉलीपॉप में नहीं आऊंगा, आप मुझे लॉलीपॉप ना दीजिए। एक माँ अपने बेटे को लॉलीपॉप पकड़ाने लगी तो बच्चे ने लॉलीपॉप फेंक दिया, बोले नहीं लॉलीपॉप नहीं चाहिए, तुम्हारी गोद चाहिए। तो फिर क्या किया, माँ ने गोद में लिया और गोद में ले लेके काम करती है। कौन बच्चा समझदार है जो लॉलीपॉप में माँ को छोड़ दे या फिर लॉलीपॉप को छोड़ करके माँ की गोद को थाम ले, है ना? सीख लो, यही सब कुछ सीखने को है। समझ में आ रही है बात? क्या एक बच्चे ने लॉलीपॉप के लिए माँ को छोड़ा और एक बच्चे ने माँ के लिए लॉलीपॉप छोड़ा, कौन सा समझदार है? लॉलीपॉप छोड़ दिया, माँ नहीं छोड़ेगी, माँ माँ को नहीं छोड़ेगा। तो फिर माँ क्या करती है, गोद में लिए लिए रोटी बनाती है। बस ऐसे ही है संसार में उलझ ना जाना, वरना ये माँ चली गई भगवान रूपी माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर ना मौका मिलेगा। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसमें ही भगवान को पा लेना, नहीं तो अन्य 84 लाख योनियों से तुम भगवान को ना प्राप्त कर पाओगे, कुत्ता बनकर तुम भगवान की कथा ना सुन पाओगे, भगवान को ना जान पाओगे। भगवान को जानने के लिए 84 लाख योनियां नहीं, ये मानव का शरीर चाहिए जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मिला है। यदि एक बार ये शरीर छूटा, एक बार गया, तो फिर ये 84 लाख चक्कर लगाने के बाद मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, जगा दो मैया को। मैया बड़े भाग्य से मिला हमारा शरीर, हर योनि में जोड़ी ऐसे सोने मिलता है।